हेलो गाइस, दिस इज मोनिका दुआ, योर जी एजुकेटर. सो वेलकम टू लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स. कैसे हो आप सभी? होप अच्छी होंगी एंड प्रिपरेशंस एज यूजल आपकी बहुत अच्छी चल रही होंगी. सो गाइस, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए वो क्या रहेगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में ऐसे क्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जब भारत का संविधान बना तो ऐसे क्या ऐतिहासिक बातें हुई जिसके कारण देश का संविधान बनाना पड़ा, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसके कारण जो है देश का संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं. देखिए गाइस, अगर मैं थोड़ा सा अगर अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो आई एम मोनिका दुआ, योर एसएससी. आपको मैं एसएससी में आपके जीए की जीए एजुकेटर हूँ, आपको जीए की प्रिपरेशन कराऊंगी. आई एम हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स. मेरे पास 8 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव फील्ड में. अगर मैं बात करूँ अपने लर्नर्स की तो मैंने 5,000 से ज़्यादा लर्नर्स को मेंटर्ड किया है, और मेरी गाइडेंस में देर आर लॉट ऑफ लर्नर्स हु हैज़ गॉट सिलेक्शन. ठीक है, काफ़ी सारे लर्नर्स का सिलेक्शन भी हुआ है. ठीक है गाइस, और अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करूँ अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करूँ गाइज, तो मेरी जो क्लासेस रहेंगी उसमें आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे. मतलब प्रॉपरली आपके एग्जाम डे तक मैं जो है आपके साथ जो है रहूँगी, आपके साथ आपको हर तरीके से गाइड करूँगी. ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको पता है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन है, इसे आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने जो है आप अपने गोल को सिलेक्ट कर सकते हैं. आपका गोल है आपका एसएससी. ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि प्लस पर पढ़ने के अनअकैडमी प्लस पर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको. एक तो आपको अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है. ठीक है, आपके डाउट सेशंस होते हैं. ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन से आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं हर कैटेगरी में, एक कैटेगरी में मीन्स. ठीक है, अपने एजुकेटर्स के साथ आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है. ठीक है, लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हो. इसके अलावा आप अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हो. सो गाइस, ऑन एंड ऑल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. ठीक है, मतलब अनअकैडमी प्लस से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको मंथली टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट. ठीक है, हर एक सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीए हो, चाहे जनरल इंटेलिजेंस हो, चाहे कोई प्रैक्टिस स्ट्रेटजी हो. और टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा. दिस वेल आई कैन से कि आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा जो है आप मेरा प्रोमो कोड लाइव MD यूज़ कर सकते हैं. कौन सा है मेरा प्रोमो कोड? लाइव MD. आप मेरा प्रोमो कोड लाइव MD यूज़ कर सकते हैं. उस कोड के थ्रू जो है आप पढ़ सकते हैं, मतलब आपको 10% का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है. और उसके से क्या होगा कि आप अगर कोई मंथली अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कि अभी आप कोई ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 2 ईयर्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन में टोटली जो है 10% का ऑफ मिल सकता है. ठीक है, लाइव MD, यस. जैसे अगर मैं ईयरली बात करूँ तो ईयरली जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 5400 का पड़ेगा आपको, वैसे वो 6000 का पड़ता. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपकी इसकी 2 ईयर्स के की सब्सक्रिप्शन की, तो ये आपको 8640 का पड़ेगा. जबकि अगर मैं बात करूँ वैसे आपको जनरली ये कितने का पड़ता? 9600 का. तो गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हर चीज़ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ को पढ़ने के लिए. प्लस मतलब आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से. टॉप एजुकेटर से, अपने पसंदीदा एजुकेटर से पढ़ना एक सब्सक्रिप्शन से, आपकी सभी एजुकेटर्स की उसको एक्सेस कर सकते हो एक कोर्स में. तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं यहाँ पर. चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं. देखिए गाइस, अगर मैं आज की क्लास की बात करूँ तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किससे रिलेटेड रहेगी? कि हमारा जो भारत का संविधान बना था, संविधान बनने के जो हैं कौन कौन से उस टाइम पर जो हैं
ऐतिहासिक ऐसी कौन कौन सी बातें रही जिसके कारण संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। मतलब आपको पता है एक लंबे टाइम तक हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं, तो हम जब ब्रिटिशर्स के अधीन रहे उस समय पर ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिसके कारण हमें अपना संविधान बनाने की हमें मांग उठानी पड़ी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि भारत का संविधान बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई। तो गाइस जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, भारत का जो है संविधान बनाने की जो मांग है वो सबसे पहले किसने उठाई थी, एम एन रॉय ने। आपको दिख रहा होगा किसने उठाई थी, एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934। 1934 में भारत का संविधान बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई, एम एन रॉय ने। में उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है 1935 में INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो इकलौती जो पार्टी थी जो काम कर रही थी वो कौन सी थी, हमारी INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिशर्स के सामने कि भारत का भी संविधान बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा अगर अपने वर्ल्ड सिनेरियो की तरफ चलें, तो गाइज आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा शुरू हो गया था। अब हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता होती जा रही थी। अमेरिका ब्रिटेन पे प्रेशर डाल रहा था कि अगर हमें ये वर्ल्ड वॉर जीतना है तो एनी हाउ हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ेगा, इंडियन का साथ लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स को इंडिया का साथ लेने के लिए फोर्स किया जा रहा था, अमेरिका फोर्स कर रहा था। अब सिनेरियो ये था, ब्रिटिशर्स अंदर से ये बात अच्छे से जानते थे कि भाई इंडिया वाले तो हमें हेल्प करने वाले नहीं है। रीज़न इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, आप सबको पता है जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमें ये कहा था कि आप हमारा साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में, जैसे ही हम आज़ाद हो जाएंगे हम आपको आज़ाद करके, सॉरी जैसे ही हम लोग सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे हम आपको आज़ाद कर देंगे और आपको मतलब यहाँ से मतलब छोड़कर चले जाएंगे, आपको यहाँ से आज़ाद करके हम चले जाएंगे। बट क्या ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, नहीं किया। बट अब क्योंकि बार बार प्रेशर आ रहा था तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये लोग भारत का संविधान बनाने की मांग कर रहे हैं तो चलिए हम इनको एक ऑफर भेजते हैं। तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने हमें एक ऑफर भेजा जिसे क्या कहा गया, ऑगस्ट ऑफर। क्या कहा गया, ऑगस्ट ऑफर। 1940 में ब्रिटिशर्स ने हमें एक ऑफर भेजा जिसे क्या कहा गया, ऑगस्ट ऑफर। नाम से ही पता चल रहा है ऑगस्ट में आया था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, उसके बाद लेकिन इस ऑगस्ट ऑफर को हमारी INC ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन मैंने अभी आपको बताया ही है क्यों रिजेक्ट किया था, बिकॉज इस वजह से रिजेक्ट किया गया INC ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यही बात बोली थी कि आप एक बार हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, जैसे ही हम जीत जाएंगे हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमें ऐसा ही कहा था। ठीक है, उसके बाद जो है 1942 में ब्रिटिशर्स ने हमें फिर से भेजा क्रिप्स मिशन। क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। पर इस बार जो है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट करेगी भाई क्रिप्स मिशन को, बहुत बड़ा कारण था इसके पीछे। क्या सबसे बड़ा कारण था, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी। 1940 में मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी, जिन्ना की ऑफिशियली डिमांड आ गई थी पाकिस्तान बनाने की, ड्यूअल नेशन थ्योरी। आपको पता होना चाहिए 1940 ने में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में ऑफिशियली पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। अब जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसमें पाकिस्तान को लेकर तो कोई बात की नहीं गई थी, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आई गाइस आई होप ये चार पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस बात बोली थी, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक, कि ये एक लड़खड़ाते हुए बैंक का क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक है जिसके ऊपर बाद की डेट डली हुई है। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये स्टेटमेंट अक्सर पेपर में आती है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक ऐसा आता है और ये पूछा जाता है कि पहले तो ये स्टेटमेंट किसने कही, तो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट किसने बोली है, महात्मा गांधी ने, या फिर ये लिखा है दिस स्टेटमेंट वॉज सेट बाय महात्मा गांधी बट फॉर विच रेफरेंस, महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट किस रेफरेंस के लिए बोली थी। तो फिर नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्या क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑगस्ट ऑफर और एकाद ऐसे कोई और दे देंगे। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, पोस्ट डेटेड चेक वाली जो बात है, क्रम्बलिंग बैंक के पोस्ट डेटेड चेक वाली बात, महात्मा गांधी जी ने किसके बारे में कही थी,
क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है गाइस। तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स को ना, अब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, मतलब ना ऑन एंड ऑल ब्रिटिशर्स को ये बात अंदर से समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं हमें देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, अब नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद हमें देश को आज़ाद करना ही पड़ेगा। मीन्स अब इंडियंस जो हैं हमारा प्रेशर नहीं झेलेंगे, अब वो हम मतलब आ गए हैं कि अब उन्हें आज़ाद हमें करना ही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ये बात जो है कुल मिलाकर जो है सामने आ गई थी किसके, ये बात जो है कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स के माइंड में ये बात अच्छे से थी। तो 1945 में ब्रिटिशर्स ने हमें भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन प्लान। गाइस कैबिनेट मिशन प्लान आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बार ये पेपर में आता है। देखिए गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये आया था 1945 में, इसके 3 मेन मेंबर्स थे। कौन कौन से? ए वी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए वी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। गाइस आपको पता होना चाहिए पेपर में कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य नहीं थे, तो 3 इनके नाम दे देंगे, 1 किसी और का दे देंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट पर्सन वर देयर इन कैबिनेट मिशन प्लान, कौन कौन से थे? ए वी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए गाइस कैबिनेट मिशन प्लान की बातों को हमने मान लिया, कारण था इसका क्यों, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने हमें रिकमेंडेशन दी थी फेडरल गवर्नमेंट। अब ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय व्यवस्था, ये वो व्यवस्था होती है या वो सरकार होती है जहाँ पर जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, किसी एक ही हाथ में नहीं होती बल्कि अलग अलग हाथों में बटी हुई होती हैं। ठीक है, सो कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए। अब शुरू होंगी कुछ स्टैटिक बातें। देखिए यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में आरंभ में कितने सदस्य थे? 389। कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, और आपको एक बात और अच्छे से पता होना चाहिए, एम के गांधी और जिना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सदस्य नहीं थे। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी और जीना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हिस्सा नहीं थे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है गांधी जी एक तरीके से उस टाइम पे आईएनसी के वहाँ से थे, जिन्ना आप मुस्लिम लीग के वहाँ से थे, तो ये दोनों जो है हमारे संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो है हमारी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, हमारी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी मिलेगा और ऑप्शन में ही आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक ही दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे लेकिन पहले नंबर पर वही बने थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर पेपर में ये आ जाए टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, क्या आ जाए? टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, तो भी आपको आंसर क्या याद रखना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है गाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो गाइज आप याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9th of December 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कब? संविधान सभा की दूसरी मीटिंग में। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई थी 11th of December 1946 एक दिन के बाद ही, 9 तारीख के बाद 10 छोड़कर 11 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के स्थायी अध्यक्ष। तो गाइस यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष। तो देखिए अगर स्थायी अध्यक्ष आएगा, परमानेंट आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई आएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले आएगा तो भी क्या आंसर जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है उद्देश्य प्रस्तावना. तो यहाँ से दो क्वेश्चंस निकलते हैं. पहला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्तावना किसने दिया? तो किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने. कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को. ठीक है. और आपको गाइस पता होना चाहिए, यही उद्देश्य प्रस्तावना जो है बाद में जाकर देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बन गया? प्रीएम्बल बन गया, यानी प्रस्तावना बन गया. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट किया, उद्देश्य प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया? 22 जनवरी 1947 को. 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. देखिए, अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान है उसे बैग ऑफ बोरो कहा जाता है, यानी उधार का बैग कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारी विशेषताएं जो हैं दूसरे देशों से ली गई हैं. ठीक है. भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे. 2 years 11 months and 18 days. ठीक है. 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था. कितने का खर्चा आया था? 64 लाख रुपीज़ का. ठीक है. और भारत का जो संविधान है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी सबसे लंबा लिखा हुआ देश का भारत का सॉरी वर्ल्ड का संविधान कौन सा है? आपका भारत का संविधान. ठीक है. और गाइस आपको पता होना चाहिए, प्रीएम्बल वो फिलॉसफी है जिसके ऊपर देश का भारत का जो संविधान है वो आधारित है. ठीक है. सो यहाँ पर जो है हमारा भारत के संविधान की पृष्ठभूमि जो है वो ख़त्म हो जाती है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी. हम फटाफट से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं चीज़ों को. देखिए, संविधान सभा का सबसे पहले संविधान बनाने का सबसे पहले जो है सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने. कब करी थी? 1934 में. फिर क्वेश्चन आता है, INC ने इसकी ऑफिशियली डिमांड कब करी? 1935 में. ब्रिटिशर्स ने हमें क्या क्या भेजा? ब्रिटिशर्स ने हमें भेजा ऑगस्ट ऑफर. ऑगस्ट ऑफर कब आया था? 1940 में. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या भेजा? क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में. 1942 में. ठीक है. क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट की है, पॉज डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारी संविधान सभा कौन से प्लान के अंडर बननी शुरू हुई? हमारी जो संविधान सभा है कौन से प्लान के अंडर बननी शुरू हुई है? तो आप गाइस आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है. कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1945 में. कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेन मेंबर्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स. एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स. ठीक है. संविधान सभा में आरंभ में कितने सदस्य थे? 389. महात्मा गांधी और जीना जी क्या संविधान सभा का सदस्य थे? नहीं. संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. अस्थाई प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थाई प्रेसिडेंट कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर को, ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है. और नेक्स्ट मीटिंग कब हुई थी? एक ही दिन के बाद, 9 तारीख के बाद 10 को छोड़कर 11 को, ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया? जवाहरलाल नेहरू. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट हमारा आया है अमेरिका के संविधान से. ठीक है. और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को. देखिए गाइस, 9, 11, 13, आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी, एक एक दिन छोड़कर है. 9 दिसंबर एक दिन छोड़ा, 10 को छोड़ा 11 दिसंबर, 11 के बाद 12 छोड़ा 13 दिसंबर. ठीक है. और उसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली SSC पूछता है, क्या संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट किया? 22 जनवरी 1947 को. ठीक है. सब भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरो कहा जाता है. बैग ऑफ बोरो कहा जाता है उधार का बैग. क्यों? क्योंकि बहुत सारी फीचर्स दूसरे देशों से ली गई है. जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो रशिया से ली गई हैं. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं. DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए हैं. ठीक है.
क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, कितने नंबर्स हैं इनके, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। कितना खर्चा आया था? अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपीज का खर्चा आया था। और प्रैम्बल जो है, प्रैम्बल ही का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रैम्बल ही वो फिलॉसफी है जिसके ऊपर हमारे देश का संविधान जो है वो बना हुआ है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आई गेस आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, अगर आपको हमारी मतलब वीडियो जो है पसंद आ रही है, यही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का बेल बटन हिट कर लीजिए, सो दैट चैनल से रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा गाइस मैं आपको कहना चाहूँगी, आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं LiveMD, जिसे यूज़ करके आपको 10% का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप मंथली लेते हो तो भी, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा, और अगर आप 2 मंथ्स 2 ईयर्स का ले रहे हो तो भी आपको ऑफ मिलेगा 10% का। और वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाली हैं, चीज़ें आपको बहुत कुछ नहीं जानने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलेंगी, टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सही रहेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF रहेंगे, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी हमारी दी बेस्ट रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, अगर समझ आई है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे और क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए अभी के लिए हम लोग चलते हैं, हम फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।